फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन और सम स्किन केयर हैक्स जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और ये जो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन मैं फॉलो करती हूँ वो आप कभी भी दिन में किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं नाइट टाइम में प्रेफर करती हूँ क्योंकि नाइट टाइम में आपकी स्किन को बहुत ज्यादा रेस्ट मिलता है, आपकी स्किन डर्ट पॉल्यूशन से बिल्कुल दूर होती है, आपकी स्किन रीजनरेट होती है। और इसीलिए आपको अगर नाइट में टाइम मिले तो इसे जरूर फॉलो कीजिए। और ये जो सारे हैक्स हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे हैक्स डेली यूज करने हैं। सो कुछ हैक्स हैं जो कि आप डेली यूज कीजिए, लेकिन कुछ हैक्स हैं जो ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक आप यूज कर सकते हैं, तो वो मैं मेंशन कर दूंगी आगे। सो फ्रेंड्स, लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप है मेकअप रिमूविंग, और उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ऑलिव ऑयल। और ऑलिव ऑयल को मैंने हाथ में ले लिया है और इसको मैं अपने स्किन पे डैप करूँगी। ऑलिव ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है और स्किन को रिंकल्स फ्री रखता है, स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, और साथ ही साथ ये वाटर प्रूफ मेकअप को भी रिमूव कर देता है। और आप ऑलिव ऑयल की जगह आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर स्किन। सो ऑलिव ऑयल लगाने के बाद आप कॉटन पैड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक कॉटन पैड यूज़ किया है आई मेकअप के लिए, और दूसरा कॉटन पैड यूज़ किया है लिप्स के लिए, और थर्ड कॉटन पैड यूज़ किया है यहाँ पे मैंने अपने फेस के लिए। सो ऑलिव ऑयल से सारा मेकअप उतर जाएगा और जो भी डर्ट है वो भी सारी रिमूव हो जाएगी। दिन भर हम काम पे जाते हैं, बाहर रहते हैं, पोल्यूशन होता है, डर्ट होती है, सो ये मेकअप रिमूविंग का स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोने से पहले। सो नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट हैक है लिप स्क्रबिंग। तो यहाँ पे मैं टूथब्रश की हेल्प से लिप स्क्रब कर रही हूँ। किसी भी नए टूथब्रश से, साफ टूथब्रश से 30 सेकेंड्स के लिए आपको लिप स्क्रब करना है। इससे क्या होगा, ड्राई पैचेस रिमूव हो जाएंगे लिप्स से और लिप्स ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है लिप्स को, तो उसके लिए आपको कोई भी लिप बाम या फिर आप बोरोलिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन बेबी लिप्स यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग। सो स्क्रबिंग के लिए मैंने लिया है राइस फ्लोर, राइस ग्रैनुअल्स, और उसके साथ लिया है हनी, और इसको मिक्स कर दिया है। 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर एंड 1 टेबलस्पून हनी को मिक्स करके मैंने ये स्क्रब तैयार किया है, और मैं स्क्रब करूँगी 5 to 10 मिनट्स के लिए। यहाँ राइस फ्लोर आप कोई भी कच्चे राइस लेके उसको आप मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करके बना सकते हैं, और ग्रैनुअल्स फॉर्म में बनाइए ताकि आपको एज अ स्क्रब वो यूज़ हो सके। राइस फ्लोर बहुत अच्छा है स्किन के लिए क्योंकि ये स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है और स्किन से टैनिंग को रिमूव कर देता है। इसके अंदर इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, और साथ ही साथ जो हनी है उसके अंदर बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, और वो स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन की एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, और कॉम्प्लेक्शन को बूस्ट करता है, और साथ ही साथ पोर्स को क्लैरिफाई भी करता है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो उसके लिए आप ग्रीन टी स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी किस तरह से आप वो बना सकते हैं। और इसके बाद स्क्रबिंग के बाद आपको फेस वॉश कर लेना है ठंडे पानी से। नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट हैक इज फेस वॉश। तो फेस वॉश के लिए मैंने ये बेसन लिया है और बेसन के अंदर पानी मिलाया है, या फिर आप रोज़ वाटर भी मिला सकते हैं। तो इससे ही मैं अपना फेस वॉश करती हूँ, ये बहुत अच्छा फेस वॉश का काम करेगा, नेचुरल फेस वॉश की तरह ये यूज़ होता है। सो यहाँ मैं 5 मिनट्स के लिए मसाज करूँगी इससे। बेसन आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये ग्लो लेकर आता है स्किन में और प्यूरीफाई करता है स्किन को। साथ ही साथ जब आप मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन होता है और वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और इस स्टेप में आप एज अ फेस पैक भी यूज़ कर सकते हैं बेसन को। आप इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए जब तक ये ड्राई नहीं होता, और उसके बाद फेस वॉश कर लीजिए।
तो इस तरीके से आपको अच्छे से मसाज करनी है इसकी, ताकि बहुत अच्छे से आपका ब्लड सर्कुलेशन हो और स्किन बिल्कुल प्यूरिफाई हो जाए आपकी। नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट है केस, आप आइस क्यूब लीजिए और उसे एक टिश्यू पेपर में बंद करके अपने स्किन पे मसाज कीजिए। इससे क्या होगा, आपके पोर्स जो भी ओपन हुए हैं पिछले स्टेप से, तो वो बंद हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा रिफ्रेशमेंट मिलेगी इसे। आइस क्यूब बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को रिफ्रेश कर देंगे, आपको एकदम लगेगा कि आपकी जो सारी थकान है वो उतर गई। और इसी आइस क्यूब को अगर आप मेकअप करने से पहले भी मसाज करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। इससे क्या होगा कि आपका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और बहुत लंबे समय तक टिका रहेगा, आपकी स्किन बिल्कुल रिफ्रेश हो जाती है, तो एकदम से ग्लो आ जाता है आपकी स्किन पे। नेक्स्ट स्टेप है टोनिंग। सो मैं टोनिंग के लिए यहाँ यूज़ कर रही हूँ ग्रीन टी से बनाया हुआ टोनर। आपको ग्रीन टी बैग्स लेकर हॉट वाटर में डाल के रखना है थोड़ी देर। उसके बाद जो पानी होगा उसे रेफ्रिजरेट कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए, और उसके बाद आप स्प्रे बॉटल में डाल के स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप कॉटन पैड से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपकी स्किन को बहुत रिफ्रेश कर देगा। और टोनिंग के लिए आप रोज़ वाटर और ग्लिसरीन को मिक्स करके भी टोनर बना सकते हैं अगर आपकी स्किन ड्राई है। सो नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट हैक इज़ फॉर आईब्रोज एंड आई लैशेज। सो आईब्रोज को और आई लैशेज को थिक करने के लिए कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है, तो इसे मैं क्यूटिप से और जो ईयरबड होता है उससे, उसकी हेल्प से अपनी आईब्रोज पे लगा लूँगी और उसके बाद मैं आई लैशेज पे भी यूज़ कर लूँगी। तो ध्यान रहे ये आपकी आँखों के अंदर ना जाए और आपको बहुत केयरफुली ये लगाना है। नेक्स्ट स्टेप इज़ मॉइस्चराइजिंग। सो मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल। आप यहाँ कोई भी अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं और पतंजलि की ब्यूटी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं रात को सोने से पहले लगाने के लिए। और लिप्स पे लगाने के लिए मैं यूज़ करूँगी बोरोलिन, तो इससे मेरी स्किन और मेरे लिप्स मॉइस्चराइज रहेंगे। सो नेक्स्ट हैक है विद दीज यूज ग्रीन टी बैग्स। सो ये यूज ग्रीन टी बैग्स हैं और इन्हें मैंने रेफ्रिजरेट कर लिया है, ठंडा कर लिया, बहुत चिल्ड हो चुके हैं ये। और इन्हें मैं अपनी आइस के ऊपर रखूंगी ताकि मेरी दिन भर की जो थकान है वो दूर हो जाए। अगर आपकी आइस पे पफिनेस भी है, डार्क सर्कल्स हैं, तो वो भी रिमूव हो जाएंगे इससे। 10 to 15 मिनट्स के लिए आपको ये स्टेप करना है, और 10 to 15 मिनट्स के लिए ये इस तरह से अपनी आइस के ऊपर रख लीजिए। और आप नाइट क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं अपने डार्क सर्कल्स के लिए। मैंने नाइट क्रीम पे भी वीडियो बनाई है, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एलोवेरा जेल से वो नाइट क्रीम तैयार हो जाती है। और अगर आपके पास नाइट क्रीम है और आपको ये टी बैग्स नहीं यूज़ करने इस तरह से, तो आप इनका जो रेसिड्यू है वो एज अ स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी स्क्रब आप यूज़ कर सकते हैं ऑयली स्किन के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।